स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लेड टू। तो देखिए पहले बात जान लेते हैं कि फर्मेंटेशन कैसे कहते किसको हैं। तो देखिए फर्मेंटेशन होता क्या है कि एक तरह से ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो है आपका सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट बैक्टीरिया, इनकी वजह से जो है फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पर पूछा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से क्या बनता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो फॉर्म होता है जब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो शुगर केन होता है उसमें एक रेड रूट नाम की बीमारी होती है या भी पाई जाती है। तो वो जो रेड रूट है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, नेमाटोड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। फंगस की वजह से जो है रेड रूट होता है, रेड रूट की बीमारी जो है शुगरकेन में पाई जाती है, और फंगस की वजह से जो हमारे गंजापन है, वाइल्डनेस, वो भी फंगस के कारण ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है जो आपका जियोग्राफी से है, द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाइस्ट पीक कौन सा है। सो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, अनाई मोदी जो है हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। जो बी ऑप्शन बी को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो जो ऑप्शन बी इसमें दूधा वेटवा दिया हुआ है, अगर पूछता है एग्जाम में कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी रेंज, तो इसका जो राइट आंसर होगा दूधा वेटवा हो जाएगा। तो यहाँ पर साउथ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। तो यहाँ पे वुड स्प्रिट के बारे में जिक्र किया गया है, तो जान लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन आपके हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। तो वुड स्प्रिट के बारे में पूछा गया है, तो सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है, और ये जो काफ़ी पॉइजनस गैस होती है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज मिक्सचर ऑफ वेल्डिंग गैस। तो देखिए वेल्डिंग गैस के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और एसलिन जो है यूज़ होती है वेल्डिंग गैस के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें गैस कौन सी गैस जो है यूज़ होती है। ध्यान रखिएगा सिगरेट लाइटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस यूज़ होती है। और दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपके सामने पूछा हुआ है मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन दे रखा है। तो मीथेन जो है सीएनजी में यूज़ होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मीथेन जो है सीएनजी में यूज़ होती है, और ब्यूटेन जो है इसका राइट आंसर है। ये गैस जो है आपका लाइटर में यूज़ होती है, बाकी प्रोपेन जो है एलपीजी वगैरह में यूज़ होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। और एक रेडॉन गैस है, ये देखिए नोबल गैस है, ये जो रेयर में पाई जाती है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें कौन सा केमिकल वेपन यूज़ किया गया था, यानी कि कौन सा केमिकल यूज़ किया गया था जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले हम जान लेते हैं कब से कब हुआ था। तो ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो है लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये जो है दो चीज़ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केमिकल वीपन के बारे में बात किया गया है, तो केमिकल वीपन जो है यूज़ किया गया था उस समय मस्टर्ड गैस। अब देखिए किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो मस्टर्ड गैस है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा मस्टर्ड गैस जो है एक तरह से सल्फर गैस है, और ये जो गैस है इसका जो नाम है जो ओरिजिनल नाम है मैं अभी आपको वो बताता हूँ क्या इसका ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड है। ध्यान रखिएगा मस्टर्ड गैस को सल्फर गैस भी कहते हैं, और ये केमिकल वीपन यूज़ होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसका जो ओरिजिनल नाम है डाइक्लोरो, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल नेम जो है डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति का कारण कौन सी गैसें हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि एक गैस है, मतलब ये छः एलिमेंट है ऐसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो छः एलिमेंट में तीन एलिमेंट तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाकी एलिमेंट एक फॉस्फोरस है, ठीक है, एक आपका फॉस्फोरस है, देन आपका एक गैस है जैसे कि कार्बन हो गया, ये जो गैस आप देख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, ये सारी जो गैस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अर्थ में लाइफ
की ऑरिजिन का कारण है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी गैसें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था उसमें कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब किस गैस के लीकेज की वजह से जो है भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि जो भोपाल गैस ट्रेजडी है वो हुआ कब था। तो मैं आपको बता दूँ, जो भोपाल गैस केस ट्रेजडी है वो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984, और ये मध्य प्रदेश यानी कि जहाँ पर भोपाल है वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे वो गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी लीकेज के कारण, कौन सी गैस थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रिस्पॉन्सिबल गैस थी। मतलब ये गैस जो है लीकेज हुई थी जिससे काफ़ी तबाही हुई थी और काफ़ी ह्यूमंस इसमें जो है इसके चपेट में आ गए थे और अपने जान गंवाई थी, जिसका असर आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किस सिटी में दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ओस्लो में दिया जाता है, और ओस्लो जो कैपिटल है आपकी नॉर्वे की कैपिटल भी है। और नोबेल प्राइज़ से ये क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल प्राइज़ जो है कितने फील्ड में दिया जाता है, मतलब कितने फील्ड के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ब्रसेल, तो ब्रसेल जो दिया गया है तो उसका कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ब्रसेल जो है किसका हेडक्वार्टर है, या फिर ये पूछता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल में है। जिनेवा की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, ये जो है जिनेवा में है, इस जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ओस्लो में मैंने बता दिया कि नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्वे जो है, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। और इस कॉसम की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ के जो रिमेनिंग प्राइज़ है, जैसे आपका हो गया इंग्लिश में यानी कि लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और इकोनॉमिक में जो प्राइज़ मिलता है वो आपका स्कॉटहोम में मिलता है। और स्कॉटहोम किसकी कैपिटल है ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वीडन जो है स्कॉटहोम की कैपिटल है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है नोबेल प्राइज़ से। और सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है 1901 में दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, ये नोबेल प्राइज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूनाइटेड नेशन की, उसमें 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो उनका जो टेन्योर है वो कितने साल के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का ही जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क यानी कि USA में है, और इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। तो ये जो चीज़ है 2 साल का, आप ध्यान रखिएगा, इनका जो टेन्योर है नॉन परमानेंट मेंबर का वो 10 साल का होता है। और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो भी आप जान लें कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो उसमें जो है USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना जो है इसका परमानेंट मेंबर हैं, और इनके पास जो है वीटो पावर है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, जो यूनाइटेड नेशन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। देखिए, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, यथर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। तो इसमें जो पूछा हुआ है कि जो रिचुअल्स है वो कौन से वेद में डील्स होता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यजुर्वेद जो है डील्स करता है रिचुअल्स के बारे में। और जो ऋग्वेद है वो काफ़ी पुराना वेद है, और ध्यान रखेंगे, और ये जो है जो यजुर्वेद है ब्रॉडली जो है 2 ग्रुप में डिवाइड है। जैसे एक कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक को जो है कृष्ण पक्ष बोला जाता है और वाइट वाले पक्ष को जो है शुक्ल पक्ष बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, ये रिचुअल्स के लिए है। जो सामवेद है वो म्यूजिकल्स के लिए है, बाकी आपका जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। तो ये जो 4 चीज़ है ऋग्वेद से ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डेट और से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पूछा हुआ कि किस दिन को मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्च 8 को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। अब बात करें 28 फरवरी के लिए तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसी तरह पूछता है कि इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं आपके डेट से रिगार्डिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, मतलब ह्यूमन राइट डे जो है कब मनाया जाता है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, जो मिनामाटा डिजीज होती है वो किसके कारण होती है, मतलब कौन से एलिमेंट के कारण होती है जिसके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है मरकरी हो जाएगा। मिनामाटा डिजीज जो है मरकरी के कारण होती है। अगर पूछा जाए इताई इताई डिजीज जो है किसके कारण होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैडमियम के कारण जो है इताई इताई डिजीज जो होती है। तो यहाँ पे मिनामाटा के बारे में पूछा गया है, तो मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटी ऑफ पर्ल। ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका जो बहुत जो कैंडिडेट है इसका जो राइट आंसर है वो त्यूतीकोरिन कहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद है। सिटी ऑफ पर्ल जो है हैदराबाद को कहा जाता है, सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और डेस्क पार्ट जो है अपलोड कर दिए जाएंगे कुछ दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।